दोस्तों ये है Realme Narzo 70 Turbo एंड आज की वीडियो में इसका चार्जिंग टेस्ट करने वाले हैं। और सबसे कमाल की बात बताऊं, इस बॉक्स के साथ में हमें 44 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग, सुपर वॉट फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। तो सारे चीजें टेस्ट करेंगे, साथ में हाँ केस भी मिलता है। बाय द वे, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो हमारी चेहरे को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, जाकर के देखो हम किस लेवल का इन डेप्थ टेस्ट वगैरह करते हैं भाई। एंड कुछ और चीजें मैं दिखाना चाहता हूँ चार्जिंग टेस्ट करने से पहले। अभी मैं बैटरी का परसेंटेज यहाँ पे अगर आप देख सकते हो भाई, 1% पे आ चुका है भाई। इतनी तगड़ी लेवल की जो टेस्टिंग करी है ना भाई कल से, भाई बहुत सारे फोटोज वीडियोस वगैरह लिया, जिसकी वीडियोस अभी एडिट होकर आपको थोड़ी देर में आपको चैनल पे अपलोड देखने को मिल जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबा दो दोस्तों। एंड एक चीज दिखा दो, देखो अभी ये बैटरी वाली सेक्शन पे है एंड यहाँ पे देख सकते हो 1% अभी बैटरी ड्रेन हुआ है। बट इसका SOT देखो भाई, 6 hours 25 minutes एंड कल मैंने इसको फुल चार्ज भी नहीं करा था, 92% तक मैंने चार्ज करा था। एंड फिर बहुत सारे टेस्ट वगैरह का भाई, हेवी टेस्ट वगैरह मैंने किया, बहुत सारे यू नो गीक बेंच जो एंतुतु रहते हैं, मल्टीमीडिया, बहुत सारे वीडियोस देखे भाई, क्या ही नेक्स्ट लेवल का मैंने टेस्टिंग करा है। एंड जिसका वीडियोस वगैरह आपको आपको देखने को मिलेगा, फोटोज वीडियो खींचा, बट तब पर भी भाई SOT देख लो भाई, 6.5 hours का SOT है। एंड बैटरी ड्रेन वाले में और इन डिटेल से मैं बताऊंगा, बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स मैंने लेके रखा है कब से आइडल टाइम वगैरह, यूजुअली देखा जाए तो आइडल टाइम वगैरह बताऊंगा, वो ड्रेन टेस्ट में बताएंगे। बट अभी जो ना चार्ज करते हैं, देखते हैं कितना टाइम में चार्ज होता है। यूजुअली देखो मैं अपने अंदाज बताता हूँ, जितने भी टेस्ट मैंने करा 45 वॉट्स का चार्जिंग 1 hour 25 मिनट्स के आसपास में चार्ज ले लेना चाहिए, बट हाँ कुछ नहीं कर सकते। चलो भाई चार्जिंग स्पीड इसका टेस्ट करते हैं भाई, कितने देर में चार्ज होता है। आप लोग भाई वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। मैंने यहाँ पे ओरिजिनल चार्जर इसी के साथ जो बॉक्स के साथ है उसी को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ। एंड यहाँ पे गैस आप लोगों के आंखों के सामने देख सकते हो अभी 1% बैटरी आके रखा है। एंड भाई अभी फिलहाल वाईफाई वगैरह है तो यूजुअली वाईफाई या इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो बट वाईफाई को मैं ऑफ कर देता हूँ। बाकी सारे चीज़ें देखो, इतनी सारी चीज़ें जो है ना ऑन में है, मोबाइल डेटा है, रिंग है, लोकेशंस वगैरह। हाँ कुछ लोग जो है ना VoNR के बारे में पूछ रहे, तो भाई उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो मैं बताऊंगा, बट हाँ VoNR काम करता है, वॉइस ओवर वाईफाई कॉलिंग भी काम करता है। तो भाई फटाक से इसको जो है ना हम यहाँ कनेक्ट करते हैं। ओके यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, अभी जो है स्क्रीन ऑफ करके मैं इसको कनेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे चार्जिंग होना स्टार्ट हो गया। एंड यहाँ पे दोस्तों हमें स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग, तो भाई देखते हैं कितनी देर में ये चार्ज कर लेता है। एंड फिलहाल जो है ना टाइम देखकर देख सकते हो दोपहर के 1:10 हुआ है। ठीक है, ओके थोड़ा सा कन्फ्यूजन, इसका टाइम जो है ना थोड़ा सा सही नहीं है, एक्चुअल टाइम जो है ना 1:21 हुआ है। रूम का टेम्परेचर 29.5 डिग्री सेल्सियस है, तो देख लेना भाई, इसको भी मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूँ ताकि आपको रूम का टेम्परेचर वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि भाई टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। एंड काफ़ी ज़्यादा हार्श एनवायरमेंट में मैं इसको चार्ज पे लगाया हूँ भाई, देख सकते हो यूजुअली सभी लोग 28 डिग्री अंडर 30 रहते हैं। ओके यहाँ पे 29 यानी 30 टच होने वाला ही है भाई, 30 टच हो गया तो मतलब बताओ यार, 29.5 डिग्री में पसीने मुझे बहने लग जाते हैं, बट हाँ क्या करें भाई, पसीने बहा करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, इसलिए बस आप लोग बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, कोई नहीं। हाँ भाई ये सभी अपना काम है भाई, मुश्किल हो या कुछ हो करना पड़ता है, बट हाँ देखते हैं भाई। अभी देखो बात करते करते अभी जो है ना 2% तक चार्ज चला गया है, ठीक है देख सकते हो। एंड यहाँ पे अगर मैं स्क्रीन ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग हमें देखने को मिल रहा है। अब कितना देर में होगा भाई वो मुझे पता नहीं है, सारा टेस्ट करते हैं भाई कितना देर टाइम लगेगा, लेट्स सी। तो अभी 1:21 पे हमने स्टार्ट किया है, देखते हैं कितना देर तक लेके जाता है। और अगर इसका टाइम से कैलकुलेट करोगे तो भाई 1:10 मान लेते हैं, 1:20 यहाँ पे, 1:10 यहाँ पे भाई टाइम कन, इसको मैं सेट करूँगा टाइम, रुक जाओ जल्दबाजी में मैंने ध्यान नहीं दिया, तो भाई होने देते हैं। ओके जब तक ये चलता है मैं आप लोगों को जो है ना कुछ दिखाना चाहता हूँ। ओके बैटरी का मैंने चीज़ है, चलो इसलिए बोलता हूँ भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा, एक चीज़ की बदले हम दो चार चीज़ें एक्स्ट्रा दिखाता हूँ भाई। देखो बहुत सारे वीडियो सैंपल्स वगैरह लिया है, जो कि भाई बहुत सारे नाइट में डे में सबका वीडियोस में पोस्ट करने वाला हूँ, बट यहाँ मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। देखो बहुत सारे टेस्ट गेम्स वगैरह मैंने किए, ठीक है। अब यहाँ पे एक अपडेट भी आया था, वैसे मैंने अपडेट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ये देख रहे हो तो बैटरी ड्रेन कुछ इस टाइप से है एंड टाइमिंग देख लो तो करीबन जो है ना 3% का बैटरी ड्रेन आउट एक्चुअली हुआ है रात भर में। मैंने रात को 2 इसको छोड़ दिया था एंड मोबाइल डाटा पर वगैरह पे था, एंड अभी जाकर उसके बाद में सुबह में जब मैंने ओपन किया तो उसका टाइम कहाँ चला गया था, अरे भाई दिख नहीं रहा है। ओके 9:32 यानी मान लो 6-7 hours
ओके, रात के 2 बजे से सुबह 9:30 बजे तक कितना हुआ बताना मुझे, एंड 28 तक आया है, पहले कितना था 31, 3% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला। भाई बैटरी तगड़ा लग रहा है, बट हाँ चार्जिंग वगैरह भी कर दे तो भाई अच्छा है। बाकी थ्रॉटल टेस्ट वगैरह मैं आपको जो डेडिकेटेड जो इसका स्ट्रेस टेस्ट वगैरह करेंगे ना, मैं वहाँ पे मैं दिखाऊंगा। फिलहाल इसको चार्ज होने देते हैं, एंड अभी देख सकते हो बात करते करते हमारे पास जो है फिलहाल 3 मिनट हुआ है, 5% का बैटरी हो चुका है चार्ज। तो इसको मैं थोड़ी देर छोड़ देता हूँ एंड इसको यहीं पे चार्ज होने देते हैं, थोड़ी देर में मैं मिलता हूँ आप लोगों को। ना एक चीज़ एडिशनल चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो मैंने पुराने अलग अलग दूसरे फोन्स वगैरह का जब मैं टेस्ट करा, जब मैं फर्स्ट टाइम चार्जिंग को कनेक्ट करता था भाई, उस टाइम में स्लो होता था। जो मोटो G85 का वीडियो अभी भी चैनल पे पड़ा है भाई, बहुत बैकलैश मिल रहा, बट हाँ जो था रियल मैंने आप लोगों को दिखाया था। जो फर्स्ट टाइम जब फोन को मैंने चार्ज करा था भाई, स्लो हुआ था, एंड सेम इस फोन पे भी मैंने वही ऑब्जर्व करा। कल जो मैंने चार्ज करा था ना भाई, स्लो से चार्ज हो रहा था, आई डोंट नो व्हाई नए फोन के अंदर में, बट हाँ। तो इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम को चार्ज छोड़ करके भी उसको मैंने काउंट नहीं किया, ये सेकंड टाइम चार्ज करूँ, क्योंकि उस वाले फोन के अंदर में जब मैं सेकंड टाइम से चार्ज करना स्टार्ट किया ना, तो भाई फास्ट चार्ज सही से हो रहा था भाई। फर्स्ट चार्ज अगर बाई चांस अगर आप फोन वगैरह लेते हो तो भाई फर्स्ट टाइम आपको स्लो चार्ज होता है, डरने की जरूरत नहीं। सेकंड टाइम थर्ड टाइम कर, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज वगैरह हो जाएगा ना, फिर सही चलता है। तो भाई अब देखते हैं ये ऑप्टिमाइज वाला सेकंड चार्ज है तो भाई कितना रिजल्ट आता है, लेट्स सी। दोस्तों अभी देख सकते हो करीबन 6 मिनट हो चुका है, एंड यहाँ पे अभी देखते हैं तो 6 मिनट के अंदर में 9% तक चार्ज हो चुका है। देख सकते हो यहाँ पे 9% हमें जो है ना चार्ज देखने को मिलेगा भाई, काफी तगड़ा चार्ज मतलब हो रहा है भाई। देखते हैं भाई, एक्साइटेड हो क्या रिजल्ट आने वाला है। एंड आप लोग भाई वीडियो का एंड तक जाने से पहले अभी कमेंट करके बताओ भाई कितना टाइम में ये चार्ज लेगा, मजा आता है। आप लोग थोड़ा सा सोच करके बताओ भाई कितने टाइम में ये चार्ज कंप्लीट कर लेगा, मजा आएगा। एंड गाइस दिल से शुक्रिया, रिसेंटली आप लोगों ने हमारी चैनल पे इतना ज्यादा प्यार दिया भाई, मेरा भी प्यार बकरते आ रहा है भाई। आप लोग दिल वाला बटन दबा दो, हमारी तरफ से पूरा मेहनत रहेगा, बस सब्सक्राइब बटन दबा दो भाई, इतना ज्यादा प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया, एंड कंटिन्यू करते हैं टेस्ट को। तो दोस्तों अभी देख सकते हो करीबन 12 मिनट हो चुका है, 11 या 12 मिनट आप समझ लो। तो इतने देर में अभी 18% चार्ज ले लिया भाई, मतलब आप मान लो भाई 10 मिनट कहीं टाइम मिला भाई चार्ज कर लो, 20% का चार्ज आपको आराम से मिल जाएगा। 18% एक्चुअली एग्जैक्ट मैं बताऊं तो भाई टाइम भी थोड़ा सा आगे चला गया है, बट देख सकते हो इस लेवल का बैटरी चार्ज, इसका स्पीड तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट हाँ 0 to 100 में देखते हैं भाई क्या रिजल्ट आता है भाई, काफ़ी तगड़ा है फोन जो लाइट वेट है ना। एंड अभी तक मैं बात करूँ तो भाई हीट बिल्कुल भी नहीं कर रहा भाई ये। एंड रूम का टेम्परेचर अगेन मैं याद दिला दे देता हूँ, 29.8 डिग्री हो चुका है। देख सकते हो रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा है भाई, बैंगलोर में इतना गर्मी है ना, आप लोग कुछ बोल करके भाई बारिश वारिश करा दो बैंगलोर के अंदर में भाई, काफ़ी तगड़ा गर्मी चल रहा है। एंड भाई देखो आप थोड़ा देर और देखते हैं थोड़ा देर के बाद में कितना चार्ज जाता है। दोस्तों अभी करीबन 18 मिनट्स हो चुका है, एंड चार्जिंग 26% पे आया है, देख सकते हो ये रहा। तो अभी जा करके 22 मिनट्स हो चुका है, एंड चार्जिंग देख सकते हो 32% तक चला गया है भाई, मतलब सही चल रहा है अभी तक। अरे आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया गाइस, प्लीज़ हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। अभी 30 मिनट्स हो चुका है, आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है, एंड 45% तक चार्ज हो चुका है भाई, आप देख सकते हो आपके आंखों के सामने है। 46% हमें एग्जैक्टली 30 मिनट्स के अंदर में दे दिया गया। एंड यहाँ से आप देखो ना, यहाँ से हल्का सा हीट मुझे फील हो रहा है, अगर पूरा फ़ोन मैं यहाँ पकड़ता हूँ तो भाई फिंगर के पास में जो कैमरा मॉड्यूल है ना यहाँ पे इस वाले सेक्शन पे, यहाँ पे हल्का सा वार्मनेस फील हो रहा है। एंड चार्जर जो चार्जर रहता है ना भाई, ये अडॉप्टर जो बोलते भाई, ये भी हल्का सा फील हो रहा है हीट, ज़्यादा कुछ फील नहीं हो रहा है बट हल्का सा एकदम माइनर हीट है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये हीट तो भाई हर कोई इतना फ़ोन लेता है भाई कोई। एंड टेम्परेचर देख सकते हो अभी जाकर के 30.5 डिग्री हो चुका है, मेरा रूम का टेम्परेचर इनफैक्ट थोड़ा सा बढ़ चुका है भाई क्योंकि गर्मी है यहाँ पे, बट स्टिल ये फ़ोन जो भाई उतना हीट वगैरह नहीं कर रहा है भाई, आराम से भाई आराम से, मतलब आप चाहे तो ऐसे चार्जिंग लगा करके भी आप कुछ भी काम टास्क करोगे ना भाई, आपको एक बेकार वाला फील नहीं होगा, एक ऑब्वियस वाला फील नहीं होगा भाई एकदम गर्म हो गया है फ़ोन वगैरह, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब मस्त है भाई, तगड़ा है। बाकी वेट करते हैं कुछ देर में और भी कितना जाता है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, यानी 40 मिनट्स होने वाला है, एंड 40 मिनट के अंदर में अगर हम चार्जिंग देखते हैं तो भाई 55% 40 मिनट्स के अंदर में 55% इसने अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग पे ले लिया है भाई। एंड देख सकते हो जो बैकग्राउंड में है ब्लूटूथ ऑन है, मोबाइल डेटा ऑन है भाई, रिंगर मोड है, लोकेशन भी ऑन करके रखा हूँ, क्विक शोर ऑन है, और डार्क मोड पे मैं रखा हूँ, चलो इसको मैं नॉर्मल मोड पे कर देता हूँ डार्क मोड से, ओके। एंड इसके साथ में कुछ सिक्योरिटी चीज़ें वगैरह भी बैकग्राउंड में ऑन होके रखा है। एंड साथ में अगर बताऊँ तो भाई, क्योंकि जनरली सभी लोग जो है ना ऐप्स को यूज़ करते रहते हैं, देख सकते हो इतने सारे ऐप्स जो है ना बैकग्राउंड में रन भी हो रहा है, एंड देख सकते हो भाई रिजल्ट आपके आंखों के सामने है।
थोड़ा और वेट करते हैं, देखते हैं कितना परसेंट तक और जाता है भाई, पूरा 100% कितना देर में लगता है। तो अभी करीबन 50 मिनट हो चुके हैं, देख सकते हो टेम्परेचर 30.9 डिग्री रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा और इंक्रीज हो चुका है। एंड यहाँ पे चार्जिंग देख सकते हो अभी फिलहाल 69% तक गया है। एंड हीटिंग पहले से हल्का सा ज़्यादा, हल्का सा एकदम, बट हाँ अगेन मैं बोलता हूँ अगर आप यूज़ करना चाहो फ़ोन को इस तरह से रख करके भाई, हल्का सा लेफ्ट साइड में आपको कैमरा मॉडल के पास में गर्म देखने को मिलेगा। बट हाँ ऐसा कोई नहीं कि एकदम मतलब आप फ़ोन यूज़ ही ना कर पाओ, ऐसा गर्म बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास, वो टेस्टिंग वाला सीन नहीं है। बट हाँ आने वाले वीडियोज़ के अंदर में मैं करूँगा वो सब, टेम्परेचर भी लाइव आपको दिखाऊंगा। बट हाँ फिलहाल वार्मनेस तो नहीं है भाई, मतलब आराम से पीसफुल मस्त है, मतलब फ़ोन मस्त है भाई चार्जिंग के मामले में भी। एक घंटा कंप्लीट हो चुका है, आपके लिए शायद कुछ ही मिनट हुआ होगा बट एक घंटे से पूरा टेस्ट हो रहा है। एंड देख सकते हो अभी 221 तक आ चुका है, एक घंटे में हमें 82% एग्जैक्टली एक घंटे के अंदर में हमें ये फुल चार्ज दे के रखा है, 83 तक गया। अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग अभी भी दिखा रहा है, यूजुअली दूसरे फोन में क्या होता है कि भाई 50-60% जाने के बाद में ये अल्ट्रा फास्ट स्लो चार्ज में होता है, बट आई एम सरप्राइज अभी भी ये अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग ही यहाँ पे दिखा रहा है, दैट इज़ गुड। बट लेट्स सी, हाँ देखते हैं, बट यहाँ इंटरनली ऑब्वियसली वो स्लो चार्ज हो रहा होगा क्योंकि देखो आप परसेंटेज जो है ना उतना ज़्यादा स्पीड से नहीं भाग रहा है, ठीक है अब ऑब्जर्व करना, 83% आ गया ना, अब आप से कैलकुलेट करके देखना आप लोग भी भाई उतना स्पीड से नहीं भागेगा। चलो वेट करते हैं कितना देर में होता है। अभी तक आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ यार छोटा सा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दिया करो, कॉमेंट करो कौन सा और भी टेस्ट वगैरह हम लोग करें, काफ़ी इन डेप्थ एकदम डिटेल में जाकर के टेस्ट वगैरह करूँगा। और हाँ जस्ट मैंने एक कम्युनिटी टैब में पोल भी दिया हूँ जो कि गेमिंग टेस्ट वगैरह करने का, लाइव FPS कौन सा गेमिंग वगैरह, तो पोल को जाकर के वोट जरूर कर लेना एंड देखते हैं क्या रिजल्ट आता है यहाँ पे। ये नंबर देखो 2222 भाई, कितने लोगों को ऐसे नंबर रैंडमली ऐसे नजर आता है, 84% तक जा चुका है। बट हाँ जैसे 111 999 कितने लोग देखते हो भाई, ये बहुत इसके ऊपर में बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी है, कोई है जानकारी तो बता दो कमेंट सेक्शन में। अब जा करके ना यहाँ पे मुझे पहले से हल्का सा ज्यादा यू नो टेम्परेचर हीटअप देखने को मिल रहा है, बट हाँ ऐसा नहीं कि अनकंफर्टेबल हो जाए, बट अगेन मैं कहना चाहूंगा अनकंफर्टेबल फील नहीं करता है। इस वाले सेक्शन पे कम गर्म है, इस वाले सेक्शन पे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गर्म फील हो रहा है, बट हाँ यहाँ पे भी हल्का हल्का वार्मनेस तो है भाई। तो लेट्स सी, एग्जैक्टली 1 hour 10 minutes हो चुका है, 1 hour 10 minutes एंड 93% तक जो है ना हमारा चार्जिंग चला जा चुका है। तो लेट्स सी 120 minutes के अंदर में क्या है फुल कर देगा, कमेंट्स में बताओ और एग्जैक्ट कितना लगेगा, आई एम सब यू नो एक्साइटेड टू नो दैट। देख सकते हो अभी जा करके अभी 1 hour 20 minutes हो चुका है, 31.4 डिग्री पर रूम टेम्परेचर चला जा चुका है एंड चार्जिंग 99% हो चुका है भाई, मतलब 1 hour 20 minutes के अंदर में, 1 hour 20 minutes के अंदर में 99% इसने चार्जिंग कंप्लीट कर दिया है। एंड यहाँ पे अगर वार्म करूँ तो भाई यहाँ पे अब वार्म कम हो गया भाई, ये हीट नहीं हो रहा है, और मैंने सोचा था भाई स्लो से चार्ज होगा बट ये एक्चुअली में फास्ट से ही चार्ज हो गया पूरा 100% तक। एंड भाई ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है अब तो, आई थिंक जो 99% एंड 100% गैस देख सकते हो, 100% गैस एग्जैक्टली मैं बताऊँ तो 1 hour 20 minutes के अंदर में, अगर एग्जैक्ट बोलो तो 1 hour 21 minutes के अंदर में 45 watts के साथ में फुल चार्जिंग ये कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पे हीट का कोई भी कंप्लेंट नहीं है भाई, जो पहले हीट हो रहा था ना भाई इस वाले सेक्शन पे, अब वो भी नहीं है, एकदम नॉर्मल में है भाई, मतलब ऑब्वियसली 100% कंप्लीट जस्ट आपके आंखों के सामने हुआ है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। लिटरली ये वाला फोन जो है ना काफी मस्त चल रहा है, तो आपको चार्जिंग का अंदाजा पता चल गया। तो इतना टाइम लगता है 1 hour 21 minutes के अंदर में पूरा 0 to 100% इसने चार्ज कर दिया। बाकी गाइस इसके ऊपर और भी ड्रेन टेस्ट वगैरह करने वाले हैं, गेमिंग के खतरनाक टेस्ट करने वाले हैं, पोस्ट सेक्शन में जाकर के आप वोटिंग जरूर दे देना एंड कमेंट सेक्शन में बताओ आपको Realme Narzo 70 Turbo के और कौन कौन से टेस्ट वीडियोस में लेके आऊं, सारे टेस्ट वगैरह करेंगे बाय द वे। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई भी फीडबैक सजेशन वो भी बता देना। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।